जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि इंतजार की घड़ी है वो अब खत्म हो चुकी है। जो वोट का समय है वो 7 से 6 बजे का रखा गया है और इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जिस वोटिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूँ वहां पर आज का जो है पहला वोट डल चुका है। हमारे साथ पहले वोटर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आज का सबसे पहले वोटर आप बने हैं इस सेंटर के, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आई एम ए प्राउड वोटर। बहुत सुख की सुख का एहसास है कि मैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए ये जो अपनी निर्वाचन की जो मेरी दायित्व है इसको पूरा किया है। हमने किन मुद्दों को लेकर जो है आज आपने अपना वोट चुना है डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो भी डेवलपमेंट करते हैं वो हमारा मुद्दा है। और क्या कुछ विकास होना चाहिए राजस्थान की दृष्टि से? राजस्थान आगे बढ़े उसी में हम सब आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है इस मतदान केंद्र का जो है पहला वोट हो चुका है और देखिए किस तरीके से जो है सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है यहाँ पर। इस सेल्फी पॉइंट के अंदर जो है जैसे ही मतदान आप कर कर आ रहे हैं यहाँ पर सेल्फी क्लिक कराई जा रही है। अब ये जो है सेकंड वोटर है हमारे साथ, सर आज आप इस सेंटर के सेकंड वोटर बने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है और नागरिकों को ये अधिकार मिलता है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुने और वो चाहें जिससे सरकार चलाएं और उन्हीं को वोट दें जो विकास के लिए काम कर रहे हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आज अपने आपने वोट चुना है? क्योंकि 5 साल जो है आम जनता इस पर्व का इंतजार करती है कि वो अपना वोट डाले और अपना प्रतिनिधित्व सही चुने। शांतिप्रद यहाँ का माहौल हो, विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिले और सबको विकास का अवसर मिले, जैसे युवाओं को बढ़ने का अवसर मिले, जो भी व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार के लिए अच्छा माहौल मिले और साथ ही साथ केंद्र प्रदेश का विकास हो। जी बिल्कुल, देखिए इस मतदान केंद्र की तीसरी महिला वोटर हमारे साथ और कहे पहली महिला वोटर और तीसरी इस सेंटर की तीसरी मतदाता है ये। मैम, किन मुद्दों को लेकर आज आपने अपना जो है वोट चुना है और महिलाओं की दृष्टि से क्या कुछ विकास चाहते हैं? आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं तो सबसे पहले अपील करना चाहूँगी कि लोकतंत्र का उत्सव है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उत्सव में शरीक हों, सब अपना वोट कास्ट करें। आप जहाँ कहीं भी हैं पहुँचें, क्योंकि इस बार टाइम भी बढ़ा दिया गया है, 1 घंटा पहले शुरू होकर के 1 घंटा बाद तक हम वोट कास्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक वोट की बात है, मैं अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करती हूँ विकास के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त जो भी व्यवस्थाएं हैं और जो भी टैक्स का मनी है वो पब्लिक के लिए एट लार्ज यूज हो, इसी आशा के साथ में मैंने वोट कास्ट किया है। थैंक यू। मैम, महिलाओं के लिए मुख्य रूप से क्या कुछ विकास, क्या कुछ जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए? महिला सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए और जो भी सरकार चुन करके आए हमारी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि एक ऐसा भयमुक्त वातावरण प्रदान करे जिसमें कि एक महिला निर्भीक हो करके अपना जो भी कार्य करना चाहती है वो करे और उसके विकास में कोई भी चीज़ बाधक ना हो। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि मतदाता है वो किस तरीके से अब जो है मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का पहुंचने का सिलसिला चालू हो चुका है और ये सिलसिला लगातार शाम 6 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। अभी इस समय जो है हम गांधीनगर के मतदान केंद्र पर मौजूद है और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए किस तरीके से जो है मतदाताओं का सिलसिला अपने परिवारजनों के साथ पहुँचने का लगातार जारी हो गया है। बात करना चाहे सर, क्या वोट डालने आए? बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर आज आप अपना वोट चुनेंगे? राष्ट्रहित में करेंगे दान, राष्ट्रहित में करेंगे मतदान। मैम, महिलाओं की दृष्टि से क्या कुछ विकास राजस्थान में आप चाहती है, अपना मतदान आज डालेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल चाहते हैं विकास तो, पर अब विकास करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना विकास करते हैं। छोटा बच्चा आपने हाथ में लिया हुआ है, इनका भविष्य आज की सरकार तय करेगी, क्या कुछ विकास आप चाहते हैं? बेसिकली तो आप शिक्षा अच्छा करें, शिक्षा अच्छा करें, स्वास्थ्य अच्छा करें, तो यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, विकास करें हर जगह। जिस तरीके से देखने को मिला कि महिलाओं को खास दौर से लेकर चुनाव प्रसार में बातें की गई, बड़ी बड़ी महिलाएं सुरक्षित हो, सशक्त हो, आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले अब अगली 5 सालों में क्या कुछ विकास होना चाहिए मूल रूप से महिलाओं के? बिल्कुल होना चाहिए, सबसे बड़ा